बैंक बंद रहने के चलते पिछले 3 दिनों से एटीएम पर भीड़ पहले से कहीं ज्यादा टूटी है। बहुत कम एटीएम कैश से लेस होते हैं, जो होते भी हैं उनका कैश भी देखते ही देखते खत्म हो जाता है। दिक्कत ये भी है कि कैश वाले एटीएम भी खूब हैंग हो रहे हैं या फिर इनका सर्वर ही डाउन हो जाता है। हैरानी ये है कि नोटबंदी के दिनों में भी एटीएम पर कोई टेक्नीशियन नहीं होता, जिससे कई बार कैश होने के बावजूद इससे कैश नहीं निकाला जा सकता। तो क्या यही कैशलेस इंडिया की तैयारी है? आखिर कैशलेस सिस्टम भी तो चलेगा दुरुस्त तकनीक और नेटवर्क के सहारे। इसका आलम तो रविवार को बहराइच में फोन के जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन में भी देखने को मिला, जहां फोन से आई नोटबंदी के प्रधानमंत्री के मकसद को समझने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है, सपा और सत्ता वाले एक ही भाषा बोलते हो। पहली बार ये काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ सपा तो एक। यानी सरकार डिजिटल और मोबाइल तकनीक के सहारे कैशलेस इकोनॉमी को हासिल करने की बात तब कर रही है जब फोन पर प्रधानमंत्री का भाषण भी लोगों के सामने सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। कार्ड के जरिए लेन देन में ट्रांजैक्शन चार्ज भी एक रोड़ा माना जा रहा है। नोटबंदी के बाद भले ही कई बैंकों ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को 31 दिसंबर तक के लिए हटा दिया है, लेकिन इस छूट को लंबे समय तक जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। करीब 2% का ट्रांजैक्शन चार्ज वो रकम है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में व्यापारी बैंक को देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस कदर कैश आधारित है, इसका अंदाजा शिमला में टूरिज्म और सिलीगुड़ी में चाय बागान के सोनेपन से लगाया जा सकता है। एक्चुअली मैं नवंबर में दिसंबर में यहाँ पे काफी टूरिस्ट होता था, लेकिन ये 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद हुए हैं उसकी वजह से जो है टूरिस्ट नहीं आ पा रहा है। अभी आप देखिए, हम जो है मतलब दिन का टाइम है और यहाँ से बंद करके जा रहे हैं, याक वाले, घोड़े वाले या कोई ढाबे वाले कोई भी हैं या फोटोग्राफी कोई करता है तो वो सब किसी का भी काम नहीं है यहाँ पे। समस्या तो हमारा बुझते पारछी ना की होय छे, मैनेजर केनो बंद करे चले गए, ई लगे नोटिसो देनी, मैनेजर एखान थेके पालिये गेछे, केउ नहीं, मैनेजर नहीं, स्टाफ नहीं, हमरा काज करते आछी किन्तु देखछी केउ नहीं। बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक भारत में मोबाइल आधारित लेन देन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित है, छोटे शहर के कारोबारी इसको लेकर उत्साहित नहीं। साफ है कैशलेस की डगर कहीं से आसान नहीं दिख रही। एक बिजनेस अखबार का सर्वे कहता है कि देश के 60% लोग नहीं मानते कि भारत नगद आधारित अर्थव्यवस्था से मुक्त होने के लिए तैयार है। साफ है कैशलेस की डगर कहीं से आसान नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, APN.